नाज़रीन, आइए आज मैं आपको चने की चाट बनाने की रेसिपी देती हूँ। चने की चाट बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सिंपल है, जो कि आपके किचन में आराम से आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये चने लिए हैं। देखिए, एक प्याली है, ये बॉईल करके आप फ्रेश कर बॉयल ले लें या टीन वाले यूज़ जो भी करना चाहें आप कर सकती हैं। इसके अंदर मैं टमाटर डालूंगी, एक टमाटर लिया है मैंने, इसके सीड्स निकाले हैं और इसको छोटे छोटे से पीसीस में कर लिया मैंने। साथ ही मेरे पास ये इमली की चटनी है, स्वीट वाली ये चटनी है क्योंकि जो खट्टी मीठी थोड़ी मजे की इसके अंदर लगती है। ग्रीन चिली है मेरे पास, ये मैंने चार ग्रीन चिली ली है, सब्ज मिर्च जो कि मैंने बारीक देखे इसको काट लिया है। ये आलू है एक बड़ा, मैंने इसको लेके बॉईल करके तो इसको काट लिया है। ये हरा धनिया है, इसको भी आप बारीक चॉप कर लीजिएगा। साथ मेरे पास एक आप प्याज लेके उसको भी बारीक चॉप लीजिएगा। साथ ये चाट मसाला है, कोई भी कंपनी का आप यूज कर सकती हैं, चाट मसाले सभी अच्छे होते हैं। फिर मेरे पास ये कुटी हुई लाल मिर्च है, चाट मसाला मैंने 1 टेबल स्पून यूज किया है और जो लाल मिर्च है वो मैंने 1/2 टीस्पून यूज की है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, जितना आप स्पाइसी पसंद करती हैं, अगर आप और ज्यादा डालना चाहती हैं तो और डाल लें। साथ ही मैं सॉल्ट डालूंगी, सॉल्ट में आपको नमक नहीं बता सकती कितनी मिकदार आपने डाली है, वो अपनी मर्जी से डालिएगा। और फिर एक बाउल लिया है मैंने जो कि इसके अंदर सारी चीजें मैं मिक्स करूंगी। ये लेमन जूस चाहे फ्रेश यूज करें या फिर चाहे आप बना बनाए रेडीमेड बाजार से ले सकती हैं। अब चलते हैं अपनी तैयारी की तरफ। मैं सबसे पहले ये चने ऐड कर दूंगी। चने ऐड करने के बाद आपने फिर बारी बारी सारे मसाले एक ही साथ डाल देने हैं, एक एक करके सारे आपने इसके अंदर डाल दीजिएगा। ये जो इमली की चटनी है ये मैंने तकरीबन 3 बड़े चम्मच है खाने वाले, वो मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ। मैंने आपको अपनी रेसिपी में इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ पहले, आप ये बना के तो रख सकती हैं। ये तकरीबन आप साल भी रखेंगी तो ये आपकी सेव रहेगी, कोई खराब नहीं होती, ठीक है। अब ये मैं इसके अंदर सॉल्ट डालूंगी क्योंकि चाट मसाले के अंदर ऑलरेडी सॉल्ट डला हुआ है, तो आप बहुत ध्यान से डालिएगा। पहले थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स कर लीजिएगा। तकरीबन मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। लेमन जूस जो है वो मैं तकरीबन 4 बड़े खाने वाले चम्मच जो है वो डाल रही हूँ, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप और भी डाल सकती हैं। अब आप इसको मिक्स कर, देखिए अच्छे तरीके से सबको मिक्स कर लिया। आपने मिक्स करने के बाद मैंने इमली की जो चटनी मीठी चटनी है वो मैंने इसके अंदर इसलिए ऐड की है क्योंकि बहुत ज्यादा खट्टा कुछ लोग जो है ना वो पसंद नहीं करते, तो जब आप ये इमली की चटनी मीठी डालेंगे तो ये इसका खट्टा मीठा जो टेस्ट है वो मिक्स हो जाएगा और खाने में बहुत मजे का लगेगा।